देवी दुर्गा की नौ रूपों की आराधना का पर्व है नवरात्रि। नवरात्रि के नौ दिन माता रानी के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। ये त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान जगह जगह दुर्गा पूजा और गरबा की धूम मची हुई है। गरबा के अलावा पंडालों में भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। पंडालों को बड़ी भव्यता से सजाया गया है। दुर्गा पूजा के पंडालों में हर साल कुछ न कुछ नया होता है। हर साल की तरह इस साल भी भोपाल में दुर्गा पूजा के पंडालों को अलग अलग थीम से सजाया गया है और इस बार भोपाल में सर्जिकल स्ट्राइक के थीम पर बना पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहा है। पंडाल में मां दुर्गा की झांकियों में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक की झलक भी नजर आ रही है। इसमें भारतीय जवानों द्वारा की गई स्ट्राइक की शानदार प्रस्तुति दी जा रही है। इसके साथ साथ पीएम मोदी का एक स्टैचू भी बनाया गया है। सजाई गई चलित झांकी में उरी हमले में जो जवान शहीद हुए थे और उसका बदला लेने के लिए भारतीय वीर सैनिकों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके दृश्य को दिखाया गया है। झांकी में आतंकवादी ठिकानों के रूप में एक बड़ा राक्षस रूपी पुतला बनाया गया है, वहीं भारतीय सैनिकों को उस पर प्रहार करते हुए दर्शाया गया है। साथ ही हाथों में तिरंगा थामे भारत माता वीर सैनिकों को अपना आशीर्वाद दे रही है। वहीं नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की प्रस्तुति भी दी गई है।